हेलो गर्ल्स, वेलकम बैक इन योर चैनल ब्लश अप। सो गर्ल्स, आप सभी के माइंड में कभी ना कभी तो आता ही होगा कि आपको आपकी शादी में किस टाइप का एक ब्राइडल लुक चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए काफ़ी सारे ब्राइडल लुक्स लेके आई हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस टाइप का आपको मेकअप चाहिए, किस टाइप की हेयर स्टाइल चाहिए और तो और आपको किस टाइप की ज्वेलरी सूट करेगी। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे लुक्स देखने को मिल जाते हैं। उससे पहले आप प्लीज़ ब्लश अप को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें नोटिफिकेशंस के थ्रू। सो हम शुरू करते हैं। अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आपकी किसी भी फैमिली रिलेटिव या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी की भी शादी होने वाली है, तो आप ये ज़रूर से देखते हैं कि यार जब शादी होगी तो किस टाइप का एक लुक चाहिए, ब्राइडल लुक किस टाइप का चाहिए, या आप पहले से ही माइंड में मेकअप कर लेते हैं, या फिर आप जब पार्लर जाते हैं आप उनको डिस्क्राइब करते हैं कि मुझे सेम यही लुक चाहिए, तो आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप पहले से ही कोई वीडियो देखेंगे या फिर कोई ऐसा लुक देख लेंगे जो आपको मन में बहुत ही अच्छा लगता है, तो जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी सारे लुक्स दिखा रही हूँ, तो आपको अगर उस पूरी वीडियो में से आपको एक भी लुक अच्छा लगता है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आप जब भी जाएंगे पार्लर में तो आप दिखा सकते हैं बहुत आराम से कि मुझे सेम ऐसा लुक चाहिए। पर अगर आप सिर्फ एक मतलब सिर्फ ऐसे ही बताएंगे पार्लर वालों को कि मुझे ऐसा इस टाइप का लुक चाहिए, तो वो सही से मतलब समझ नहीं पाते हैं। बट अगर आप पिक में दिखाएंगे तो वो बहुत आराम से समझ जाते हैं। और सेकंड थिंग इज़ कि आप चूज़ कर सकते हैं अपना बेस्ट वन, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे आप सिंपल से ऐसे बता नहीं सकते कि मुझे किस टाइप का लुक चाहिए। बट एक चीज़ होती है ना, आपके माइंड में है लेकिन उससे भी कुछ अच्छा आपको दिख जाता है, तो बस कि अब तो यही लुक चाहिए, तो उसके बेसिस पे आपके लिए ये वीडियो बनाई है, जिसमें आप ये तो देखेंगे कि आपको किस टाइप का लुक चाहिए। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स हैं, लाइक आपको हेयर स्टाइल कैसे रखनी है। किसी किसी के फेस पे बिल्कुल फ्लैट हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, बट किसी के फेस पे पार्टीशन अच्छा लगता है, और उस पार्टीशन में भी फ्रंट पार्टीशन रखना है या फिर आपको साइड पार्टीशन रखना है, ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। सो हेयर स्टाइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ब्राइडल मेकअप। और अगर आप मतलब देख लेते हैं कि आपको हेयर स्टाइल किस टाइप का चाहिए, तो उसके बाद जो हम बात शुरू करते हैं वो आती है मेकअप की, क्योंकि मेकअप जो एकदम से बिल्कुल अच्छा लगता है वो लगता है हेयर स्टाइल से। अगर हेयर स्टाइल आपकी फाइनलाइज हो जाती है, देन उसके बाद आपका सेकंड स्टेप है आपको मेकअप किस टाइप का चाहिए। मेकअप में हल्का फुल्का लुक आता है जो आपके लहंगे की शेड होती है। देन ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि मेकअप में बिल्कुल भी लेडी लुक ना आए। मेकअप ऐसा होना चाहिए कि आप गर्लिश लुक के साथ ही मेकअप करें, ज़्यादा ओवर ना करें। लाइक किसी किसी मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं या फिर जितनी भी आप गर्ल्स हैं मेरी वीडियो देख रही हैं, बहुत सी ऐसी होती हैं पार्लर वाली आंटीज जिन्हें हम बोलते हैं कि वो ना डार्क स्किन टोन को भी ब्राइटन बनाने के चक्कर में पूरा ख़राब कर देते हैं मेकअप। तो ये ज़रूर से ध्यान रखें कि चाहे डार्क है डार्क ही रहे, बट मेकअप अच्छा होना चाहिए। उससे क्या होता है अलग से ऐसा नहीं लगता कि वाइट वाइट फेस हो रहा है। एंड थर्ड एंड फाइनल थिंग इज़ कि आपको ज्वेलरी कैसे सिलेक्ट करनी है। ज्वेलरी ज़रूर से ध्यान रखें कि आपको सेंटर वाला टीका चाहिए होता है या फिर पूरा माथा पट्टी चाहिए होता है, आपको ईयरिंग्स कैसे चाहिए, आपको नेकलेस कैसा चाहिए, ये सब चीज़ें भी आपको देख के चलनी होती है। तो ज़रूर से आपको ये अगर तीनों चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान से चूज़ करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, तो आपका जो लुक है वो माशाल्लाह अच्छा आएगा ही आएगा। तो काफ़ी सारे मैंने आपको यहाँ पे लुक्स दिखाए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी लुक पसंद आता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ में अगर आप कोई सेलर हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप गर्लिश प्रोडक्ट्स में या फिर गर्लिश ड्रेसेस में सेल करते हैं, तो प्लीज़ से अपना नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और साथ ही साथ में जितनी भी गर्ल्स वीडियो देख रही हैं, अगर आपकी शादी आने वाली है, आपके किसी फ्रेंड की, आपके किसी सिस्टर की, किसी कलीग्स की शादी आने वाली है, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। आपके साथ साथ उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो के थ्रू। और वीडियो अच्छी लगे हो तो यार प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही और अमेजिंग अमेजिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं आपके लिए आपकी मनपसंद वीडियोस लाती रहूँ और आप देखते रहें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। ब्राइडल्स की जो मेन थिंग होती है वो तो मेकअप वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, बट
नथ होती है ना, नथ का भी एक अलग ही रोल होता है, तो नथ को भी ज़रूर से अच्छे से प्रायोरिटी ज़रूर दीजिएगा। बहुत सी गर्ल्स होती हैं जो नथ को प्रायोरिटी नहीं देती हैं और वो अच्छे लुक्स नहीं आते उनके। सो एक दुल्हन है तो नथ ज़रूर पहनिएगा। एंड यस, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। एंड यस, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल ब्लशअप को, एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।